बिना फेलियर्स के आप मैच्योर नहीं हो सकते, आप हम्बल नहीं हो सकते, आप डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते। क्योंकि एक तरफ से जब मैं आपको कह रहा हूं आपकी पावर्स इनफाइनाइट हैं, अभी इनफाइनाइट पावर्स ले करके आपने अपनी ईगो को बढ़ा लिया और अपने आपको बोलना शुरू कर दिया मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो, पता नहीं आप क्या बन गए अपने माइंड में। फिर लाइफ ने आकर के खींच के थप्पड़ मारा आपके कान के नीचे, आप आकर के नीचे गिरे। आपने कहा अरे यार, इसका मतलब जो संदीप महेश्वरी कह रहा है वो बात हमको पूरी तरह से समझ नहीं आई है। समझ गए ना कि सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है। पूरी तरह से लाइफ में अपने हाथ में कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम करूं और उसमें सक्सेसफुल होता चला जाऊं। ये इमैच्योरिटी है कि मैं कुछ करूंगा और उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा। रियल सक्सेस क्या है? मुझे पता है कि मेरे अंदर से कुछ आ रहा है करने के लिए और मैं उसको कर रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं इसमें फेल भी हो सकता हूं, ये सक्सेस है। समझ गए ना? आपको पता है कि मैं फेल हो सकता हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको गारंटी हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है, बेटर हो जिंदगी भर के लिए। देयर इज नो सच थिंग। और ये कैसे आती है मैच्योरिटी? धीरे धीरे फेलियर्स के साथ आती है। आज अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे अंदर ही मैच्योरिटी कैसे आई, कि मेरे अंदर से फेलियर्स का डर निकल गया, कोई पंगा लेना है बड़े से बड़ा मैं ले लूंगा, कैसे आई? क्योंकि पता नहीं कितने काम करे और कितनी बार फेल हुआ, तो मुझे ये पता है कि मैं कोई भी काम करूंगा मैं कभी उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा कभी फेल हो जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली और वहीं पर मैं जा करके अटक गया तो मैं पूरी जिंदगी भर के लिए अटक जाऊंगा, मैं उससे आगे कभी ग्रो नहीं करता। दूसरी तरफ से अगर कोई फेलियर आया, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, और मैं वहां जाकर के अटक गया, समझ गया ना मैं मतलब कौन, मेरा जो माइंड है वो वहां पर जाकर के अटक गया कि बस मेरी लाइफ खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई सब खत्म, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लाइफ। तो मुझे क्या गहराई तक समझ आ गया है ये मैच्योरिटी कैसे आई, और ये कैसे आई? थियोरेटिकली कभी नहीं आती। कुछ किया उसमें बार बार फेल हुआ, बार बार सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में फेल हुआ। अब ना मेरे अंदर सक्सेस का कोई लालच रह गया है, ना फेलियर का डर रह गया है, तो अब मुझे अगर कुछ भी करना है और मुझे सही लग रहा है, मुझे कौन रोकेगा? इसको आजादी बोलते हैं। यह लाइफ का अल्टीमेट एम होना चाहिए। इसको ध्यान से समझना अगर पकड़ में आए तो। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप कितने बड़े बन गए? जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उतने बड़े बन गए। दूसरी तरफ आप बोलते हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, अब आप कैसे बन गए? प्रॉब्लम से भी छोटे बन गए। तीसरी तरफ से आप बोलते हो कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी बड़ी हैं मैं उससे बहुत बड़ा हूं, अब आप कैसे बन गए? उन प्रॉब्लम से बड़े बन गए। दुनिया की कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि वो मुझसे बड़ी, यहां से प्रॉब्लम्स। दुनिया क्या करती है, या तो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देख करके अपने हथियार डाल देती है, मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम्स है, होता है। दूसरा, मेरी जो प्रॉब्लम्स है मुझे बस इसी को सॉल्व करना है, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। आप बोलो मेरी प्रॉब्लम्स यहां है, मैं ना यहां हूं, मैं ना यहां हूं, मैं वहां हूं। लेकिन जो मान लेते हो वही बन जाते हो। Subscribe channel and press the bell icon for the latest videos update.